सुनो रे भाई फिर से है चुनाव आई झांसे में ना आना भाई। नमस्कार भाइयों बहनों, विगत वर्षों की तरह इस बार भी मैं चुनावी प्रत्याशी हूँ। मैं इस बार जीत जाऊंगा तो महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दूंगा। मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। सुनो रे भाई। झांसे में ना आना भाई। नेताजी आप कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार दूर करेंगे, आप महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देंगे, आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता कि आपने ऐसा कुछ किया है। अभी भी शिक्षा व्यवस्था वही की वही है, अब शासन व्यवस्था में भी आपने सुधार नहीं किया, ना बिजली की सुविधा दी, ना ही पानी की सुविधा आपने प्रदान की है। आप कह रहे शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे, आपका लड़का खुद ही नहीं पढ़ा लिखा है। अब नेताजी आप लोगों को क्या शिक्षित करेंगे? नेताजी हम आपको अपना वोट क्यों दें? नेताजी आप बताइए, हम आपको वोट अपना क्यों दें? नेताजी आप क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं? बताया आप लोगों को पैसा लेकर वोट देना कानून अपराध है। यदि आप लोग पकड़े जाएंगे तो आप लोग जेल जाना पड़ेगा आप लोग को। आज से हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग कभी किसी से पैसा नहीं लेंगे, अपने अनुसार अपने हिसाब से अपना प्रत्याशी, अपना उम्मीदवार, अपना नेता चुनेंगे। आइए हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग आज के बाद किसी से पैसा नहीं लेंगे, अपने अनुसार अपना प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे, जो राज्य का विकास कर सके, जो भारत का विकास कर सके, जो भारत का विकास करने अपना योगदान दे। यदि आप लोग पैसा लेंगे, पैसे से हम वोट कर देंगे, आप लोग विकास हो पाएगा, हम अपना विकास करेंगे। यदि मेरे बातों से आप लोग संतुष्ट हैं, आइए हम लोग शपथ लेंगे कि हम लोग किसी प्रत्याशी से पैसे नहीं लेंगे। यदि मेरे बातों से आप लोग संतुष्ट हैं, आइए हम लोग शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम भारत में स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र होकर निष्पक्ष शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन मर्यादाओं को अछूर रखते हुए तथा निर्भीक होकर जाति धर्म भाषा समुदाय तथा अन्य किसी प्रलोभन के बिना प्रभावित हुए सभी निर्वाचन में अपने मतदान का प्रयोग जरूर करेंगे। देखिए मैं यहाँ आए हम लोग नुक्कड़ करने के लिए, यहाँ पे मेरा थीम है कि कुछ लोग पैसा ले लेते हैं, कुछ लोग पैसे के नाम भड़का देते हैं। यदि आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैसे की लालच में ना आकर के अपने अपने घर से बाहर निकल करके जाइए, मतदान कीजिए। मतदान करने से फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, अपने अनुसार अपना प्रत्याशी चुनेंगे जो राष्ट्र का विकास कर सकेगा, जो देश का विकास कर सकेगा। हवा चलने लगी है बदलाव की, हवा चलने लगी है फिर बदलाव की, घंटी बज चुकी है चुनाव की। आप जानते हैं घंटी बज चुकी है, चुनाव आ गया है, 6 मई को अपने यहाँ चुनाव है। हवा चलने लगी है बदलाव की, घंटी बज चुकी है चुनाव की। आओ मिलकर हम सब एक अभियान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। अम्मा बहना काका चाची तुम भी सुन लो भैया भाभी, अम्मा बहना काका चाची तुम भी सुन लो भैया भाभी, चुनाव के दिन है आ गए। आप जानते हैं चुनाव के दिन आ गए, चुनाव के दिन है आ गए, घर घर पहुंचेंगे नेताजी, घर घर नेताजी आएंगे वोट मांगने के लिए। चुनाव के दिन है आ गए, घर घर पहुंचेंगे नेताजी, करके सच झूठ का पहचान करेंगे। आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे।
सरकार के कोसने के दिन भाग गए, सरकार को कोसने के दिन भाग गए यदि अब की बार तुम जाग गए, सरकार को कोसने के दिन भाग गए यदि अब की बार तुम जाग गए। करना उपयोग मत का होशियारी से, करना उपयोग मत का होशियारी से, करना उपयोग मत का होशियारी से, वोट देना अब की बार पूरी तैयारी से, वोट देना अब की बार पूरी तैयारी से। खुशहाली के नए आयाम बनेंगे, आयाम मतलब घर साधन बनेंगे, खुशहाली के नए आयाम बनेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। कुछ लोग तुम्हें झूठे सपने दिखाएंगे, कुछ लोग आप लोग चुनाव आती है झूठे सपने दिखाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, उन लोग दिखाते हैं, उन लोगों का काम है। कुछ लोग तुम्हें झूठे सपने दिखाएंगे, शराब चंद रुपए के नाम पर शराब पिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें झूठे सपने दिखाएंगे, पैसे की लालच देकर शराब पिलाएंगे। इन सब से तुम बच के रहना मेरे भाई, इन सब से तुम बच के रहना मेरे भाई। जाति धर्म मजहब के नाम पर भड़काएंगे, क्या आप भड़काते हैं ना, जाति धर्म मजहब के नाम भड़काएंगे। मजहब से ऊपर उठकर, मजहब से मतलब मजहब मतलब धर्म, मजहब से ऊपर उठकर लोकतंत्र का सम्मान करें, लोकतंत्र अपने यहाँ है, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, ठीक है ना, लोकतंत्र से ऊपर मजहब का सम्मान करेंगे, मजहब से ऊपर लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे, आओ मिलकर हम सब मतदान करेंगे। आज का हमारा थीम है हम सब साथ जाएंगे और सभी लोग वोट देकर आएंगे, एक वोट आपका हक, आपका अधिकार, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, एक वोट वो होता है जो आपकी पहचान बताता है, आपके अपने अधिकार को बताता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन वोट देने जाना रहता है उस दिन हम लोग सो जाते हैं, किसी कारणवश हम लोग नहीं जा पाते हैं और फिर आते हैं शासन व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे साथ हमको ये सुविधाएं नहीं दी गई, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जिस समय वोट हो रहे थे, जिस समय मताधिकार देना था, जिस समय अनिवार्य था देना, जिस समय हमें अपना लीडर चुनना था, उस समय तो हमने अपने अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, अपनी आवाज ही नहीं जाना, अपनी आवाज को सरकार तक ही नहीं पहुंचाई, तो आपकी शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होगा, आपकी समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं? तो ये कमियां किसकी हैं? ये कमियां हम ही लोग की हैं, क्योंकि हमने अपने अधिकार को नहीं पहचाना था। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, जन जन की पुकार है, जनाधिकार है, जन जन की पुकार है, जनाधिकार है, जन जन को जगाना है, वोट देकर रहना है, जन जन को जगाना है, वोट देकर रहना है, जिंदा रहे या जान जाए, वोट तो उसी को जो काम आए, जिंदा रहे जो या जान जाए, वोट तो उसी को जो काम आए, जन जन की पुकार है, वोट देना हमारा अधिकार है, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया।